जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में आई, जिसने न सिर्फ किसी शहर या राज्य या किसी देश बल्कि पूरे विश्व को आघात पहुंचाया। यह बीमारी इतनी खतरनाक और भयानक थी कि इसने सीधे रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरी पॉपुलेशन पर धावा बोला, जिसकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जो लोग पहले से ही बीमारी से जूझ रहे थे, उनको आर्थिक संकट ने ढेर कर दिया। अगर हम साफ लफ्जों में कहें तो यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अभिशाप के रूप में चाइना से निकलकर पूरे दुनिया को बर्बाद कर दिया। जब कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला तो किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यह वायरस क्या है, कहां से आया और इसका इलाज क्या है, और इस खोज में तो कई वैज्ञानिकों ने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन अभी तक हमें यह स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया था कि आखिर वायरस आया कहां से। लेकिन एक ताजा शोध में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि वायरस कहां से आया और कैसे आया। कोविड महामारी की उत्पत्ति ने शोधकर्ताओं को बहुत लंबे समय तक उलझा के रखा। कोरोना मामले को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने खतरनाक दावा किया है। वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रैकून डॉग, जी हां आपने सही सुना, यह चाइना में पाई जाने वाली एक कुत्ते की प्रजाति है जिसे चाइनीज बड़े पसंद से खाते हैं, और इसी कुत्ते की प्रजाति में कोविड वायरस के संक्रमण का सबूत पाया गया है। यह कुत्ते वुहान के एक सी फूड बाजार में अवैध रूप से बेचे जा रहे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने भी बताया है कि कोरोना के बाद वुहान में लगभग 50,000 जीवित जानवर बिक्री के लिए रखे गए थे, जिसमें रैकून डॉग भी शामिल। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के लिए 2020 में वुहान सी फूड होलसेल मार्केट से जेनेटिक डेटा फार्म स्लैब को इकट्ठा किया था। इस रिसर्च से निष्कर्ष निकला कि रैकून डॉग कोरोना से संक्रमित थे। जब से कोविड 19 महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया है, इसकी उत्पत्ति ने शोधकर्ताओं को हैरान कर रखा। चीन के सी फूड मार्केट में वैज्ञानिकों को कोविड 19 के संबंध में खतरनाक सबूत मिले हैं। वुहान के एक सी फूड बाजार में अवैध रूप से बेचे जाने वाले रैकून डॉग कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने जानवरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फर्श, दीवारों, गाड़ियों और पिंजरों में स्वैब को इकट्ठा किया। इससे टेस्टिंग से पता चला कि वहां रैकून डॉग कोरोना वायरस से संक्रमित। वायरस से संक्रमित पाए गए नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि बाजार में मौजूद रैकून डॉग वायरस से संक्रमित। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऐसे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कोरोना वायरस इस जानवर से ही फैल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो